रॉबिन एक गांव में सब्जी बेचा करता था। उसकी बीवी टाइनी और एक बेटी टूनी थी। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। एजी भाग्यवान, सुनती हो? हाँ जी, आ रही हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या हुआ और इस बॉक्स में क्या है? तुम खुद ही देख लो। इसमें तो झुमके हैं जी। हाँ मुझे तो पता ही है। आप मेरे लिए झुमके लाए हैं? अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे सिवाय किसके लिए लाऊंगा? ये तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनकी क्या जरूरत थी? हमको पैसे की बचत करनी चाहिए और आप है क्या फालतू खर्चे किए जा रहे हैं। अरे पगली, मैं वैसे भी तुम्हें कहाँ कुछ दे पाता हूँ। वो तो आज धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए कुछ ले जाता हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से तुझे कुछ नहीं दिया। मुझे पता है हमारे हालात, इसलिए तो मैं कभी कुछ नहीं मांगती। छोड़ो ये सब बातें और मुझे ये झुमके पहन के दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरी पत्नी इन झुमकों में कैसी लगती है। टाइनी झुमके पहनने के लिए आईने के पास जाती है और पहन के वापस आती है। अरे वाह, देखो तो कितनी प्यारी लग रही हो, ये झुमके तुम पर बहुत जच रहे हैं। इस तरह खुशी खुशी वो लोग साथ रहते हैं। एक दिन रॉबिन अपनी पत्नी से कहते हैं, टाइनी बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, टूनी की भी छुट्टियाँ चल रही है। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन कुछ नहीं, चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं। रॉबिन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घूमने के लिए निकलता है। पापा मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम दोनों यही रुको, मैं अब भी कहीं से पानी लेके आता हूँ। रॉबिन पानी लेने जाता है। उसकी पत्नी और बेटी एक जगह पर बैठते हैं। जैसे ही रॉबिन पानी लेके वापस आता है तो देखता है उसकी पत्नी बेहोश हो गई है और टूनी रो रही है। टूनी, ये क्या हुआ तुम्हारी माँ को? देखो पापा, माँ बेहोश हो गई। रॉबिन टाइनी को अस्पताल ले जाता है। ये लो ये इंजेक्शन, जल्दी से लेके आओ। इंजेक्शन और दवाई में रॉबिन के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। टाइनी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई और मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। रॉबिन टाइनी के झुमके और अपना सब्जी का ठेला भी बेच देता है तो भी पैसे कम पड़ते हैं। ये क्या, इसमें कुछ पैसे कम हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है, आप इलाज चालू रखिए, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। नहीं, जब तक तुम पैसे पूरे नहीं दोगे मैं इलाज शुरू नहीं करूँगा। ऐसा मत कहिए, अगर इलाज नहीं मिला तो मेरी पत्नी मर जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ एक घंटे में मुझे बाकी के पैसे लाके दो, वरना तुम्हारी पत्नी को मैं बच्चा नहीं पाऊंगा। रॉबिन जल्दी से सेठ धनीराम के पास पैसे मांगने जाता है। रॉबिन मैं तुझे पैसे तो दे दूं, लेकिन लेकिन क्या सेठ जी, मैंने आपसे पहले भी पैसे लिए हैं और समय से वापस भी दे दिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तब तुम्हारे पास अपना सब्जी बेचने का ठेला था, अब तो तुमने वो भी बेच दिया है तो तुम मेरे पैसे कैसे वापस करोगे? अब मेरे पास कुछ नहीं है सेठ जी जो मैं आपको दे सकूं। तुम्हारा घर तो है, वो तुम मुझे बेच दो। लेकिन फिर हम कहाँ रहेंगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हारा घर मुझे देना पड़ेगा। मैं घर तो फिर से बना लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरा परिवार टूट जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरा घर रख लीजिए। रॉबिन पैसे लेके हॉस्पिटल पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, उसकी पत्नी मर जाती है। अब हमें इस गांव में नहीं रहना, चलो बेटा यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। रॉबिन और उसकी बेटी गांव से बहुत दूर चले आते हैं। पापा अब हम क्या करेंगे? बेटा ये बांस देख रही हो, तुम मेरी मदद करना, मैं इससे हमारे लिए घर बना लूंगा। ठीक है पापा। रॉबिन बांस से अपना घर बनाने लगता है। टूनी भी उसकी बहुत मदद करती है। थोड़े ही समय में उनका बांस का घर तैयार हो जाता है। रॉबिन फिर से अपना सब्जी का ठेला लगा के धंधा शुरू करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत पैसे जमा हो गए हैं, अब मुझे इन्हें शहर के बैंक में जमा करने जाना पड़ेगा। सेठ शहर के लिए निकलता है, रास्ते में अचानक उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। अरे कोई है, मुझे बचाओ। तभी वहाँ दो कौवे आते हैं। अरे इस सेठ को अस्पताल ले जाना होगा, कल ये देखो कितने सारे पैसे हैं। सेठ को छोड़ो और इस पैसे को लेके भाग जाते हैं। इस सेठ का क्या होगा, इससे हमको क्या, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए यहाँ से भाग चलो। कौवे सेठ का धन लेकर भाग जाते हैं। रॉबिन उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था
उसकी नज़र सेठ पर पड़ी। अरे सेठ, तुम तो बहुत सकली हो, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अरे तुम फिर से, जल्दी से ये दवाई और इंजेक्शन लेकर आओ और इस बार देर मत करना। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। रोबिन अपने सारे पैसे दवाई में लगा देता है। मेरी फीस तो तुमने जमा ही नहीं की। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अभी इनके घर से कोई आता होगा और वो आपके पैसे दे देगा। आप इनका इलाज शुरू कीजिए, इनका काफी खून बह गया है। पहले मेरे पैसे दो, फिर ही मैं इनका इलाज करूँगा। थोड़ी देर में सेठ का बेटा आता है और रोबिन से कहता है, क्या हुआ मेरे पापा को और इनका इलाज क्यों शुरू नहीं हुआ अब तक? मेरे पास जितने पैसे थे वो सारे दवाई में खत्म हो गए, डॉक्टर साहब की फीस के पैसे नहीं बचे, इसलिए उन्होंने सेठ जी का इलाज रोक दिया। क्या कहा है वो डॉक्टर? सेठ जी का बेटा डॉक्टर को बहुत मारता है और डॉक्टर डर के इलाज शुरू कर देता है। तुम बहुत लालची डॉक्टर हो। ऐसे ही इसने मेरे साथ भी किया था, इसीलिए मेरी पत्नी मर गई। हे भगवान, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कह के वो डॉक्टर को फिर से मारने लगता है। मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, रॉबिन से माफ़ी मांग। मुझे पता है मैंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन रॉबिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। वादा करो जो तुमने मेरे साथ किया वो आगे से किसी के साथ नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। रॉबिन मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हारा घर हड़प लिया, शायद इसीलिए मेरा ये हाल हुआ। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, मैं आप दोनों को माफ करता हूँ। टाइनी और उसका पति रॉबिन बहुत गरीब होते हैं। वो अपने खेत में बहुत मेहनत से काम करते थे। उनके बाजू का खेत कालू का था। कालू टाइनी और रॉबिन से बहुत जलता था क्योंकि उनके खेत में बहुत ही अच्छी फसल होती थी और कालू आलस के कारण कम फसल उगा पाता था। अरे रॉबिन, तुम और टाइनी सुबह 5 बजे से खेत में काम करते हो, क्यों ना आज तुम दोनों थोड़ा आराम करो। लेकिन कालू भैया, अगर हम चले गए तो हमारे सेब की फसल का कौन ध्यान रखेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं रखूँगा ध्यान, तुम दोनों जाओ। टाइनी और रॉबिन बेफिक्र होके अपने घर चले जाते हैं। ये दोनों कितने बेवकूफ हैं, अब मैं ये सेब चुरा के बेच दूंगा। दूसरे दिन जब टाइनी और रॉबिन वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके सारे सेब किसी ने चुरा लिए हैं। कालू भाई, हमारे सेब कहाँ गए? अरे भाई मुझे क्या पता, कल तक तो यही थे। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आप ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन फिर मुझे बहुत नींद आने लगी और मैं सो गया था। ये कह के कालू वहाँ से चला जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे सेब तो चोरी हो गए और हमारे पास पैसे भी नहीं है। नहीं टाइनी, तुम चिंता मत करो, थोड़े करेले पड़े हैं, मैं इन्हें बाजार में बेच के आता हूँ। रॉबिन करेले को बाजार में बेचने जाता है और देखता है कि उसके सेब वहाँ कोई और बेच रहा है। भैया, ये तो मेरे सेब हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम, ये तो मैंने खरीदे हुए सेब हैं। भैया, ये मेरे खेत में उगे हुए सेब हैं, कल चोरी हो गए थे। उसमें मुझे क्या, मैंने तो पैसे देके खरीदे हैं कालू से। अच्छा, तो ये सब कालू ने किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रॉबिन बहुत गुस्से में कालू के घर जाता है। तो वो तुम थे जिसने मेरे सेब चुराए? हाँ, मैंने ही चुराए हैं, क्या कर लोगे तुम? मैं पुलिस में जाके तुम्हारी फरियाद करूँगा, मैं उन्हें कह दूंगा कि वो मेरे खेत के सेब थे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोई बात नहीं कालू, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तुम्हें जरूर सजा देगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे, चलो अब निकलो यहाँ से। रॉबिन बहुत दुखी होके वापस अपने खेत में आता है। क्या हुआ, आप इतने निराश क्यों हो? कालू ने ही हमारे सेब चुराए थे और हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम गरीब हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हमारे सेब चोरी हो गए हम फिर से मेहनत करके सेब उगाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। रॉबिन अपने खेत में बीज बोने के लिए खड्डा खोदने लगता है, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो और गहरा खोदने लगता है तो वहाँ से एक बड़ा सा खजाने का बॉक्स निकलता है। टाइनी इधर आओ, देखो हम पैसे वाले हो गए। अरे वाह, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। कालू भी ये खजाने का बड़ा सा बॉक्स देख लेता है। ये खजाना तो सिर्फ मेरा होगा, मैं इन दोनों के पास से चुरा लूंगा।
कालू रात को चोरी करने के लिए रॉबिन और टाइनी के घर जाता है। जब वो दोनों सो रहे थे, वो खजाने का बॉक्स उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। रॉबिन उसे चोरी करते हुए देख लेता है। हा, अब ये खजाना मेरा है। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। कालू, दरवाजा खोलो। कालू दरवाजा खोलता है और देखता है कि पुलिस और रॉबिन बाहर खड़े हैं। साहब, ये देखो, ये रहा मेरा पैसों का बॉक्स। साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये खजाने का बॉक्स है जो इसके खेत में से निकला है। अगर ऐसी बात है तो ये खजाना सरकार से छुपाने के जुर्म में रॉबिन, मैं तुमको भी जेल में डाल दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, ये जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता है। इसमें तो सिर्फ कुछ पैसे ही है। वो तो अभी पता चल जाएगा। चलो खोलो इस बॉक्स को। साहब मेरा यकीन कीजिए, इसमें तो सिर्फ मेरे कुछ बचाए हुए पैसे है। देखा देखा साहब, ये डर रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। खोलो इसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ पैसे ही निकलते हैं। अच्छा हुआ टाइनी, तुमने खजाने के बॉक्स से खजाना निकाल के कुछ पैसे रख दिए, वरना वो कालू हमारा खजाना भी चोरी कर लेता। रॉबिन और टाइनी अब बड़े आराम से अपने बड़े से घर में रहते हैं।